हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सुप्रिया और आपका स्वागत है मेरे किचन में, यानी कि सुप्रियाज इजी मील में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सांबर की रेसिपी, जो कि हम घर में बनाएंगे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला यानी कि क्विक रेसिपी हम लेके आए हैं। बहुत ही आसानी से बनेंगे घर में। तो चलिए हम देख लेते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी सांबर बनाने के लिए। सामग्री हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे तूर दाल। 1 कप तूर दाल मैंने लिया है। चाय के कप से हमने मेज़र किया है सारे तूर दाल को। 1 कप तूर दाल, इसको मैंने क्या किया है, 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखा है मैंने इसको। तो ये दाल हम हटा देते हैं। मैंने एक घंटा पहले से इसको भिगो के रखा है। तो हम इसी दाल से सांभर बनाएंगे। भिगी हुई दाल से हम अगर बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, इसलिए हमने इसको भिगो के रखा है। आप चाहें तो सूखी दाल से भी बना सकते हैं। तो 1 कप तूर की दाल है। सब्जियाँ हम देख लेते हैं। मेरे पास एक लौकी है, अबाउट 50 ग्राम, 50 ग्राम्स मैंने इसको चंक्स में काट लिया है, आप देख सकते हैं। कद्दू है यानी कि पम्पकिन, ये भी 50 ग्राम के जितना है। बैंगन है मेरे पास, ये भी अबाउट 50 ग्राम्स है, 50 ग्राम। 4 छोटी भिंडी है, 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको मैंने सभी सब्जियों को मैंने ऐसे चंक्स में काट लिया है, क्यूब्स में। 2 टमाटर है, इसको भी मैंने ऐसे ही काट लिया है। और ये कच्ची वाली ड्रमस्टिक है मेरे पास, यानी कि सहजन, मेरे पास कच्ची वाली है तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास मोटा वाला अगर हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास इतनी सारी सब्जियाँ हैं। सब्जी आप अपने मनपसंद की डाल सकती हैं सांबर में। और मसालों में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। नमक जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, सांभर मसाला पाउडर 2 टीस्पून। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रेड चिली पाउडर हमें चाहिए होगा 2 टीस्पून। और यह है इमली का जूस यानी कि पल्प। इसको हमने इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा था, तो अबाउट 1 टेबल स्पून इमली का जूस है। और तड़के के लिए हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। हींग है हमारे पास 1 पिंच। और तड़के में जाएगा 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टीस्पून जीरा का दाना सीड्स, क्यूमिन सीड्स, 1/3 टीस्पून मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च रेड चिली। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं सांबर। बहुत ही झटपट जल्दी से बन जाने वाला सांबर। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हम दाल डाल देते हैं। उतार लेते हैं इसको, इसमें हम सारे दाल डाल देंगे। दाल को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें डालते हैं हम पानी, 2 ग्लास के जितना पानी डालेंगे हम इसमें। 1 ग्लास 2 ग्लास पानी को देखेंगे कितना है। हम इसमें 1 ग्लास और पानी डाल सकते हैं। चलिए 1 ग्लास और पानी डाल देते हैं। यानी कि लगभग 3 ग्लास पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम सारी सब्जियां डाल देते हैं एक ही साथ में। आप चाहें तो सब्जियों को अलग से रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, तेल में थोड़ा सा फ्राई करके बना सकते हैं। हम एक ही साथ बना रहे हैं, ये क्विक झटपट से बनने वाला सांभर है। सारी चीज़ों को हम एक ही साथ डाल देंगे इसमें। अब डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार। और 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार सारी चीज़ों को। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देते हैं, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। गैस पे हम इसको डाल देते हैं प्रेशर कुकर को, और फ्लेम अभी हाई रहने देते हैं। हम हाई फ्लेम पे हम इसको 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद इसका फ्लेम हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले सीटी आने देते हैं, 2 सीटी आने देते हैं। कुकर में 2 सीटी आ चुकी है। हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं।
अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हम गैस को बंद कर देते हैं और इसका प्रेशर अपने आप ठंडा होने देते हैं। तो चलिए कुकर ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। हमारा कुकर अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रेशर कुकर को हम खोल लेते हैं, इसका ढक्कन निकाल लेते हैं और अंदर देख लेते हैं हम इसका। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारा दाल और सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं, सब अच्छी तरह से पक चुका है और इसका पानी भी ठीक है, कंसिस्टेंसी इसका बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रेड चिली पाउडर अपना 2 टीस्पून, सांबर मसाला 2 टीस्पून और इमली का जूस, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। हम गैस को ऑन करेंगे, गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम प्रेशर कुकर को रख देते हैं, इसको अच्छे से मिला दिया हमने। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम लो पे रखेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको ढक्कन ऐसे ढक के 3-4 मिनट के लिए पकने देते हैं। चलिए 3-4 मिनट इसको हम पकने देते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम गैस के ऊपर से हटा देते हैं। आप देख सकते हैं ये बॉईल हो रहा है, ये बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह से। अब गैस के ऊपर से इसको हटा देते हैं और गैस पे डालते हैं हम एक पैन तड़के के लिए और पैन को गर्म होने देते हैं। तब तक हम अपना सांभर इस बोल में निकाल लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, पैन में डालते हैं तेल। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तेल भी गर्म हो चुका है। इसमें डालते हैं हम हींग, हींग डालने के बाद इसमें हम जीरा, मेथी दाना और ब्लैक मस्टर्ड डाल देते हैं। थोड़ा सा चटकने देते हैं इसको, तो रेड चिली भी डाल देते हैं इसमें। क्रैकल हो चुका है, लीजिए हमारा तड़का भी रेडी है। गैस को बंद कर देते हैं और तड़के को डाल देते हैं हम सांभर के ऊपर। लीजिए दोस्तों, हमारा सांभर बिल्कुल तैयार है। देखा आपने कितना क्विक है इसको बनाना, कितना इजी है इसको घर पे बनाना। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये सांभर बनाने का, तो आप भी इसी तरह से सांभर बनाइए, ट्राई कीजिए। इसको आप रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इडली, डोसा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या सादी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी बना है ये। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है एक क्विक सांभर रेसिपी बनाना, तो आप भी इसी तरह से ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं और आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।